Hello friends. Today we'll talk about John Keats, one of the famous writer of Romantic age. And let's start and talk about his life. He was born in 1795, and he was died in 1821. And he was died at the age of 25 because of TV. He was born in Horstable. घोड़े के अस्तबल में ये पैदा हुए थे एज इज़ फादर वॉज ए स्टबल मैन क्योंकि उनके फादर स्टबल में काम करते थे His father फादर एंड मदर डाइड एट वेरी यंग एज एंड ही कैप्ट ऑन रीडिंग ग्रीक क्लासिक एंड एलिजथन राइटर्स उनके माता पिता जल्दी ही दुनिया से चले गए थे और उन्होंने फिर ग्रीक क्लासिक एंड एलेजब जो राइटर्स है थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड उनको पढ़ना शुरू किया उनको पढ़ते थे वो ही रोड टू वन ऑफ हीज़ फ्रेंड उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट होलनीस ऑफ हार्ट अफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन तो ये लाइन्स उन्होंने अपने फ्रेंड को लिखी थी तो so, लाइन्स पूछ ली जाती है तो इसमें मैंशन नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट होलनीस ऑफ हार्ट अफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन एंड बायरन रोट लॉर्ड बायरन रोट ए पैरडी अगेंस्ट जॉन किड्स एंड ही पब्लिश एन आर्टिकल से हु किल किड्स उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था हु किल किड्स आई से क्वार्टरली मैगजीन तो इसमें क्वार्टरली मैगजीन में उन्होंने बोला था कि हु किल किड्स का उसका आंसर दिया था उन्होंने आई से क्वार्टरली मैगजीन and this quarterly magazine reviewers they review kids work in very negative light क्योंकि उन्होंने क्यों बोला था Who kill kids और फिर उन्होंने आंसर दिया था कि quarterly magazine ने उन्हें मार दिया था क्योंकि वो negative light जो उनके works थे उनके ऊपर काफ़ी negativity फैलाते थे and thus Byron says that और उसके वजह से Byron ने ये बात क्वार्टरली मैगजीन के ऊपर बोली थी एंड बोला था आई फील सो बैड फॉर किड्स बिकॉज क्वार्टरली मैगजीन पीपल हैव किल्ड किड्स तो वो ये बात बोलते हैं ये लाइन किसने बोली है लॉर्ड बायरन ने लिखी है जॉन किड्स के लिए आई फील सो बैड फॉर किड्स मुझे बहुत बुरा लग रहा है किड्स के बारे में क्योंकि बिकॉज क्वार्टरली मैगजीन पीपल है किड्स क्योंकि क्वार्टरली मैगजीन के लोगों ने उन्हें मार दिया किड्स डाइड एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव जू टू ट्यूबर क्लोसेस तो so, इस पर क्वेश्चन किस टाइप का है देख लेते हैं क्वेश्चन इनके लाइफ के ऊपर एंड एटीन इज द किड्स पोएटिक ईयर और प्रोडक्टिव ईयर तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पोएटिक ईयर और किड्स प्रोडक्टिव पोएटिक ईयर और प्रोडक्टिव ईयर किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है 1819 में क्योंकि मोस्टली इनके जो ओड्स थे इन्होंने लिखे थे वो सारे एटीन में पब्लिश हुए थे एंड क्वेश्चन आया था इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं इन द किड्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वर्स तो किड्स के कैरियर में मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब कोई चीज को प्रोड्यूस करने वाला ईयर कौन सा था तो so, 1819 क्योंकि सिक्स ग्रेट ओड्स ऑफ जॉन किड्स वाज रिटर्न इन द ईयर 1819 अलोंग विद दिस ओड्स ही आल्सो आल्सो ही हैज़ Hyperion इन 1819. उन्होंने हाईपेरियन भी 1819 में लिखी थी और सिक्स ग्रेट जो ओड्स हैं उनके जो फेमस ओड्स हैं वो भी 1819 में लिखे थे तो ये याद रखना है आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जितने भी दे रही हूँ मैं सारे बच्चों इम्पोर्टेंट है तो आप इनको नोट कर लीजिए और ये जो पी है जो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कई मेन पॉइंट्स जो इसमें लिखे नहीं होते वो मैं बोलती हूँ तो वो आप ज़रूर अब नोट कर लीजिएगा तो आगे हम चलते हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इससे हौसला मिलता है मोटिवेशन मिलता है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ता है तो तभी मन करता है कि हाँ आपको कोई पसंद कर रहा है आपका कोई आ, क्या नाम है आपके मटेरियल का कोई वेट कर रहा है तो आदमी का मन करता है एक मोटिवेशन मिलता है हौसला मिलता है काम करने का तो ऐसे ही अच्छा काम हम करते रहे आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माइर चैनल उनके वर्क्स की तरफ चलते हैं हम द वर्क्स आर एंडीमियन वर्क्स आर एंडीमियन तो द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन इज एंडीमियन एंड इट वॉज पब्लिश इन एटीन एटीन एंड इट इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ एंडीमियन जो ग्रीक मिथ बोलते हैं ना कि भाई मिथ मतलब ऐसी अफवाह जो होता है कि एक उसको एंडीमियन के बारे में थी एंडीमियन एज ए शफर्ड हु लव्ड बाई फ्राम गॉडस सेलिनी तो ये एक शेफर्ड थे एंडीमियन जो थे और वो उनकी जो बिलव थी वो कौन थी गॉडस सेलनी गॉडस सेलेनी ओके एंड एंडीमियन इस प्यार करने लग जाती है वो कौन गॉडस सेलेनी एंड मून क्या है वो मून गॉडे सेलेनी है मून की गॉड है वो ठीक है चंद्र देवी चंद्रा देवी बोलते हैं ना चंद्र देवी तो वो शेफ से एंडी नाम के शफर से प्यार करना द एंटायर स्टोरी रिवोल्वस अराउंड हाउ एंडी डज नॉट वांट टू मैरी मून गॉडस तो स्टोरी उसी पे रिवॉल्व करती है कि कैसे शेफर्ड मून गॉडस से नहीं शादी करना चाहते उनसे नहीं प्यार करना चाहते बट सेलिनी जो मून गॉडेस इज़ ऑलवेज बट वो उनके पीछे ही पड़ी रहती है एंड ग्रीक मैथोलॉजी ग्रीक मैथोलॉजी का काफी इंफ्लुएंस देखा गया है किसके किड्स के वर्क के ऊपर ओके okay? तो इसमें एक लाइन है बहुत फेमस लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर दिस लाइन अक्र सीन एंडिमेन तो ये बहुत बार पूछी जाती है दिस लाइन चक्कर इन एंडिमेन में जितना भी मटेरियल ये है ये बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म मटेरियल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी में से आते हैं या तो आप 20 25 30 किताबें पढ़ लो या फिर इन्हीं को एक ही वीडियो में या दो वीडियो में आप जॉन किड्स को कम्प्लीट कर लो या फिर जॉन किड्स के ऊपर ही आप पूरी एक बुक चार सौ बेच के पढ़ डालो तो वो आपके ऊपर है तो इसको हम डिटेल में भी करेंगे लेकिन अभी सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना हम चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक आपका एक माइंड खुले कि कौन सी राइटिंग किसकी है आपका ये अच्छे से आपको समझ आए तो एनडीम का एक क्वेश्चन आया था हम देख लेते हैं द क्वेश्चन इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर दिस लाइन अकर इन तो आंसर इज एंडीमियन बाई किड्स तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर किस में आया था एंडीमेन में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्विस्ट नरेटिव कौन सी है जो क्विस्ट नरेटिव नहीं है तो किड्स की एंडीमियन क्विस्ट नरेटिव नहीं है इसमें जर्नी नहीं दिखाई गई है ठीक है तो ये सारी जो जर्नी सॉरी किड्स नरे, किड्स नरेटिव है ये किड्स की एंडीमैन क्या है किड्स नरेटिव है एंड ऑल द मैन इन दिस पोएम्स आर ऑन जर्नी सारे जर्नी पर जैसे एंडीमेन भी एक शेफर्ड है तो वो जर्नी पे रहता है इवन इन किड्स मून गॉडस सेलिनी इज ऑन द क्विस्ट वो भी सेलिनी जो है वो भी क्या है जर्नी पे ही रहती है ओके तो ये क्या है ये भी एक क्विस्ट नेगेटिव है तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कौन से किस नेगेटिव है तो शैले की जैसे हमने पी वी शैले किया उसका अलास्टर जो किस नेगेटिव है बायरॉन हमने लास्ट वीडियो में किया है तो मैन वो भी क्विस्ट नगेटिव है और इसमें जॉन किड्स की एंडीबियन ये भी एक क्विस्ट नेगेटिव है क्योंकि वो जर्नी पे है. तो किस क्विस्ट नरेटिव का मतलब होता है कि जो उसका प्रोटोगोनिस्ट है या हीरो हीरोइन है, है उनमें से कोई एक जर्नी पे रहता है सफ़र पे रहता है ठीक है तो इसमें गॉडस मून गॉडस एलिनी सफर पे रहती है ओके okay? जर्नी पे रहती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फीचर्स इन विच ऑफ द किड्स पोयम तो लेटमोस जो है सेटिंग आईलैंड की कौन से उसमें पोयम में, में दिखाई गई है तो ये दिखाई गई है एंडीमियन में इट फीचर्स इन किड्स एंडीमियन ओके okay, तो ये आपको याद रखना है लेटमोस नाम के आइलैंड की सेटिंग दिखाई गई है किसमें एंडीमियन में तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्क इज इस इस इसाबेला नेक्स्ट वर्क इज इस इस इसाबेला इसाबेला इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818 एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बोर डेकामोरन तो ये फोर पॉइंट फाइव में ये दिया गया है इट एज़ टेकन फ्रॉम बुकेशियो जो राइटर है उधर से क्लासिकल राइटर उसमें से लिया गया है डेकमोरन में और इसका सब है द प्लॉट द प्लॉट ऑफ बेसिल दब टाइटल इज़ प्लॉट ऑफ बेसिल ये सारा ही जैसे मैंने बताया मटेरियल सारा ही इम्पोर्टेंट है तो इसमें मैं कितने ही सारे जो पॉइंट्स है सभी पे स्टार बना दो तो भी चलेगा क्योंकि सब कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये आता इसी में से है तो इसका सब आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट इस बेला का सब है द प्लॉट ऑफ बेसिल एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बकेशियो डेकामोरॉन एंड द स्टोरी इज अबाउट ए वूमेन हुज फैमिली इंटेंडेड टू मैरी हर टू सम हाई नोबल गाय तो एक औरत की कहानी है जिसकी फैमिली चाहती है कि उसको हाई नॉबल कोई गाय से उससे शादी करी जाए कि एक नॉबल मैन से उसकी शादी करी जाए बट शी लव्स लोरेंजो वो लोरेंजो से प्यार करती है हु इज़ वन ऑफ हर ब्रदर्स एम्प्लॉय जो उसके भाई का ही एक एम्प्लॉय है ओके okay? तो वैन द ब्रदर गॉट टू नो दिस दे मर्डर लोरेंजो एंड ब्यूरिड हिज बॉडी जब उसके भाई को पता चलता है कि वो मेरे ही काम करने वाले नौकर से प्यार करती है उसकी बहन ईसा बेला तो उसको मार कर कहीं पर गाड़ देता है एंड द घोस्ट ऑफ लॉरेंजो इन फॉर्म ईसा बेला इन हर ड्रीम डैट ही वॉज मर्डर तो इस जो लोरेंजो का घोष्ट होता है वो इसाबेला को आके बताता है कि भाई मुझे अब मार दिया गया है मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ तो ये स्टोरी थी इसाबेला की इस पर किस टाइप का को क्वेश्चन आया क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर पे तो क्वेश्चन था विच किड्स पोएम वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टेल बेस्ड ऑन स्टोरी बाय ब तो वो कैश शो की स्टोरी पे बेस्ड है कौन सी है तो किड्स की नाम है ईसा बेला तो आंसर इज़ इस ईसा बेला तो नेक्स्ट हम करते हैं हाइपेरियन द नेक्स्ट राइटिंग ऑफ जॉन किड्स इज़ हाइपेरियन एंड इट इज़ पब्लिश इट वॉज़ पब्लिश इन एटीन नाइनटीन नाइनटीन सॉरी इट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन एटीन नाइनटीन सॉरी एटीन नाइनटीन है नाइनटीन नाइनटीन हो गया है तो इट वाज पब्लिश इन एटीन तो ये आप 1819 करेक्ट so, yeah, कर लीजिए तो इट इट इज़ एन एपिक पोएम ये एक एपिक पोएम है एंड इट टेल्स अबाउट द डेस्पेयर ऑफ टाइटन्स आफ्टर द फॉल ऑफ ओलंपियस एंड टीटन्स एंड ओलंपिया दो ग्रुप है ग्रीक मैथोलॉजी के तो ग्रीक मैथोलॉजी के दो ग्रुप्स बताए गए हैं टीटन्स एंड ओलंपियंस आर द टू ग्रुप्स ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी और ओलम्पियंस आर फाइटिंग विथ ईच अदर दोनों आपस में लड़ रहे थे थ्रू आउट ग्रीक मैथोलॉजी एंड टीटंस लॉस द वॉर टिटन्स हार जाते हैं वॉर में एंड दे हैड टू फॉल टू ओलम्पियंस फिर उनको ओलम्पियंस के हैंड ओवर होना पड़ता है किटन जो जॉन किट्स हैज्सो रिटर्न ए रीवर्किंग ऑफ दिस पोएम उन्होंने एक रीवर्किंग भी लिखी है इसका एक सीक्वल भी लिखा है जॉन किड्स ने खुद ही इसका सीक्वल लिखा है कॉल्ड सीक्वल ऑफ हाइपेरियन जिसका नाम था सीक्वल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम सीक्वल ऑफ सीक्वल ऑफ़ हाइपेरियन इज फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम सीक्वल क्या है फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम ये इसका सीक्वल लिखा है उन्होंने इट इज़ आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जिल एनाइड वर्जिल के जो एनियड है डेंटेस का है ऑल द ग्रेट क्लासिकल राइटर्स जो है इन्फ्लुएंस है ठीक है तो ये ऑल द क्लासिकल राइटर्स से है वर्जिल के एनियड डेंटेस की तो उससे ये इन्फ्लुएंस है इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है और इसमें म्यू जो म्यूज़ है वो कौन सा इन्होंने यूज़ किया है मोनेटा मोनेटा ओके okay? तो उसका नाम भी याद रखना है द क्वेश्चन आया था इस पर वाट इज कॉमन टू ऑल द पोएम्स तो इसमें कॉमन पूछा गया है सारे पोएम्स में तो इसमें लिस्ट दी गई है वर्ड्स वथ का रेकलूस पी वी शैले ट्रम्प ऑफ लाइफ बायरॉन डॉन जॉन एंड किड्स का हैपेरियन तो इनमें कॉमन क्या है चारों में इनका कॉमन है कि ये सारे अनफिनिश्ड पोएम हैं तो आंसर इज ऑल फोर ऑफ देम आर अनफिनिश्ड पोएम्स तो दिस इज द आंसर ओके द नेक्स्ट वन इज फॉल ऑफ हाइपेरियन। इसमें मैंने मैंशन नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ आप नोट कर लीजिए बच्चों फॉल ऑफ हाइपेरियन ऑन्ड इट इट वॉज ऑल्सो पब्लिश इन एटीन नाइनटीन और इसका सब टाइटल है ए विजन सब टाइटल है ए विजन एंड इसमें क्वेश्चन आया था बस इतना ही आपको इसका सब टाइटल याद रखना है फॉल ऑफ हाइपेरियन जो सिक्वल है Uh, इसका सब टाइटल ए विजन है और इसका क्वेश्चन आया था इन फॉल ऑफ हाइपेरियन किड्स म्यूज फिगर इज तो किड्स का म्यूज फिगर कौन है फॉल ऑफ हाइपेरियन में मोनेटा मोनेटा तो आंसर इज मोनेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम किड्स सीज ए लैडर ऑफ एंड इज ड्रेसिंग and uh, The lines di again non can assess this height, but those to whom the miseries of the world are miseries and will not let them rest. The answer is Moneta. The answer is Moneta. The next one is Lovely Dame Son's Mercy. The next is Lovely Dame Son's Mercy, and it was published in 1819. ट्रांसलेशन ऑफ दिस फ्रेंच टाइटल इज ब्यूटिफुल लेडी विद आउट मर्सी जो फ्रेंच टाइटल है ये टाइटल फ्रेंच में है जैसे लाबली डेम सन्स मर्सी फ्रेंच टाइटल है जिसका ना जिसका मतलब होता है ब्यूटिफुल लेडी विद आउट मर्सी एंड दिस इज ए बैलेड यह क्या है एक बैलेड है एंड दिस पोएम स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफाइड स्पीकर हु आस्क द नाइट वॉट वॉज हैपन टू हिम यह एक अन आइडेंटिफाइड स्पीकर है जो नाइट से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ वॉट हैज़ हैपन टू हिम क्या हो गया तुम्हारे साथ एंड द नाइट टेल्स डैट ही हैड मेड ए ब्यूटिफुल लेडी और जो नाइट होता है वो सिप बोलता है कि मैं एक ब्यूटीफुल लेडी से मिला था एंड ही मेक दैट लेडी सिट ऑन हिज हॉर्स उसने मैंने उस लेडी को अपने हॉर्स पे बिठाया द लेडी लेट हिम टू हर केव वो उसको मुझे अपने केव तक लेके गई और उसे सुला दिया गाना गा के और मुझे उसने सुला दिया गाना गा के एंड दिस नाइट नाइट हैड द ड्रीम एंड व्हेन द नाइट वॉकअप ही फाइंड दैट ही इज़ लेइंगन द कोल्ड हिल तो वो उसने सपना देखा और जब वो उठा तो देखता है कि वो एक कोल्ड हिल पे सो रहा है कोल्ड हिल साइड पे सो रहा है एंड दैट इज़ वेयर द पोएम एंड्स और वहीं पे पोएम ख़त्म हो जाता है एंड ही फाइनली टेल्स द स्पीकर दैट ऑल द प्रिंस एंड वॉरियर्स अराउंड हैव टोल्ड हिम दैट ही वॉज अनस्लेव्ड बाई ए ब्यूटिफुल लेडी तो वो बोलता है कि सारे प्रिंस वॉरियर ने मेरे को बोला कि मैं को उस अनस्लेव ने लेडी ने अनस्लेव कर लिया था सो दिस ब्यूटिफुल लेडी हैज़ अनस्लेव द नाइट दिस इज वॉर द स्टोरीज तो यही एक स्टोरी है ओके okay? इसी बारे में स्टोरी है तो द नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन किस टाइप का है वो देख लेते हैं क्वेश्चन इज लावली डेम सेंस मर्सी कंबाइंड टू पोल्टिकल फॉर्म एंड विच आर दिस टू पोलिटिकल फॉर्म तो कौन से टू पोलिटिकल फॉर्म लिए हैं एक तो ये बैलेड है और ये साथ में लिरिक भी है ओके तो बैलेड एंड लिरिक लावली डेम सन में टू पोइटिकल फॉर्म्स है बैलेड एंड लिरिक तो कल वीडियो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कल हम करेंगे लेमिया इसके आगे करेंगे तो ये भी इसमें रॉन्ग है इसको आप एटीन नाइनटीन कर लीजिएगा ओके okay, तो ये आगे हम करते हैं उसके बाद में तो कल हम करेंगे इसके आगे का तो थैंक यू फॉर वाचिंग मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माइर चैनल बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हम जल्द ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे बीच बीच में कई वीडियोस जो हम टेस्ट के स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर्स भी आपके प्रिपेयर हो जाए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवे ग्रेट डे